जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क, वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामायिक विषयों पर सीधी बात नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज नजरिया। दोस्तों, विगत दिनों से आप देख रहे हैं, पहले हम बात कर रहे थे बजट से सरकार की से अपेक्षाओं और दुश्चिंताओं पर, अब हम बात कर रहे हैं बजट से उपजे क्या कितना गतिशील होगा, उद्योग कितना गतिशील होगा, व्यापार बारीकी से इसके अध्ययन करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस प्रोग्राम के समन्वय कोऑर्डिनेटर सीए नितेश जी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आगरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही विभिन्न मंचों पर सरकारी योजनाओं नीतियों का बड़ा बखूबी से आप उसका अध्ययन और विश्लेषण करते आए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का दायित्व मैं सौंप रहा हूँ सीए नितेश गुप्ता जी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और जैसा अभी आपने कहा, तो आज जो मंच है हमारे साथ में, जो पैनल है, तो इसमें बहुत एक रोचक पैनल है हमारे साथ में, क्योंकि इसमें बैंकर भी हैं, उद्यमी भी हैं। तो इस सबसे पहले इस पैनल का मैं परिचय करा दूँ अपने दर्शकों से। तो सबसे पहले हमारे साथ में हैं श्री राजेश कुमार जी, आप जोनल मैनेजर हैं इंडियन बैंक के। उनके साथ में हैं श्री श्याम अग्रवाल जी, आप निदेशक हैं आरबीआई फाइनेंस के। मेरे साथ में बैठे हुए हैं श्री विजय गुप्ता जी, आप जो है केसरी कोल्ड के नाम से आपका कोल्ड स्टोरेज है, उसके निदेशक हैं आप। और मेरे साथ में हैं रोज़ हमारे घर में जो हम आटा खा रहे हैं, आजकल काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी फैमिलीज आगरा की आटा खाती हैं, तो उसमें एक रसोई रत्न का काफ़ी बड़ा नाम है, तो उसके निदेशक श्री राजेश अग्रवाल जी। तो एक अच्छा पैनल है जिसके साथ में हम लोग बजट में क्या आया उस पर कुछ चर्चा करने का एक प्रयास करेंगे, आपके जो उद्योग से संबंधित कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, और अपने दर्शकों तक किस तरीके से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, तो उसका एक इस पैनल के साथ में एक प्रयास रहेगा। तो मेरा जेडम साहब राजेश जी, आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ ही शुरू करता हूँ। मैं इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कैपेक्स को लेके बात रही, एक्सपेक्टेशन ये था कि 9 लाख करोड़ से ऊपर नहीं होगा, 33% से ज़्यादा अनाउंसमेंट किया, इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट कुछ तरीके से है कि आपने जो एक रुपया दिया उसका 3 गुना जो है इफेक्ट आता है अगर आप कैपेक्स में खर्चा करते हैं। राजेश जी, बैंक्स कितने तैयार हैं इस जो एक सरकार का एक पॉजिटिव इंटेंट है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बैंक्स कितने तैयार हैं? थैंक यू नितेश जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इकोनॉमी जो सबसे पहले जो चलती है वो सरकार के खर्चा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैपेक्स की जो बात आपने की, 10 लाख करोड़, पिछले बार 7.5 लाख करोड़ था, डेफिनेटली ये जो है एक बूस्टर का काम करेगा, चूंकि अभी जस्ट हम लोग कोरोना से बाहर निकले हैं, तो इकोनॉमी देख रही है रिवाइवल की ओर और बैंक भी इसके लिए मुस्तैदी से तैयार है, क्योंकि जब भी कैपेक्स होगी तो आप समझिए कि पूरी इकोनॉमी जो है हमारी जो है वो वे फॉरवर्ड देखने लगती है हर सेक्टर से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, नए इंडस्ट्रीज का हो। तो इसमें यह है कि बैंक जो है अभी जो है इस चीज़ के लिए पूरी तैयार है, क्योंकि बैंक के पास क्या है कि लिक्विडिटी की जो पोजीशन है वो भी बैंक काफ़ी इंप्रूव कर रही है। अभी अब देख रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, जो कि जो गैप हमारा होगा फंडिंग का जो गैप है उसके लिए हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं, और बैंक भी काफ़ी पॉजिटिव इस चीज़ को ले रही है कि जहाँ पर भी कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स भी उसके साथ छोटे प्रोजेक्ट्स भी, चाहे उसके बाद एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, ये सारे चीज़ में एक एक एक, एक गति बिल्कुल नेचुरल आएगी। तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस इन्वेस्टमेंट से। बैंक्स की बैलेंस शीट्स काफ़ी मजबूत हुए हैं पिछले कुछ समय में, हमने देखा है कि एनपीएस कम हुए हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, इंप्रूव हुए हैं इंटरेस्ट मार्जिन। तो ऐसे में क्या हमें ऐसा लगता है या ऐसी अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि जो आपने अभी, क्योंकि एग्रीकल्चर का जिक्र किया और हम केवल एक बड़े बोरोवर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो माइक्रो सेक्टर, बल्कि मैं सुपर माइक्रो सेक्टर की भी अगर हम बात करें
तो क्या बैंक्स का आपको लगता है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स बैंक्स के हैं, एनपीएस कम होते जा रहे हैं, एक भ्रांति ऐसी कुछ रहती थी कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उसमें एनपीए कहीं बढ़ा हुआ होता है, तो क्योंकि अब इस तरीके की सारी स्टडीज आ चुकी हैं, एक छोटा आदमी भी ये चाहता है कि उसको लोन मिले और वो जो है बिल्कुल अपनी किस्तों को टाइम से चुका रहा है, तो ऐसे में क्या बैंक्स का बिल्कुल एक पॉजिटिव इंटेंट है कि छोटे से छोटे लास्ट पर्सन तक को भी लोन देने का? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अभी क्या है कि बैंक्स का जो है वो माइक्रो लेवल पे जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, जैसे फिनटेक कंपनियां ये बहुत सारी कर रही है, तो नेशनलाइज बैंक भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल इसमें हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो छोटे लोन्स वगैरह जो फिनटेक के द्वारा लिया जा रहा है, तो नेशनलाइज बैंक भी जो है इस चीज़ पे को देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बदौलत हम कैसे उन तक पहुंचे। जैसे हमारी बैंक इंडियन बैंक का ही आप ये इनिशिएटिव, हम लोगों ने बहुत सारे करीब 10 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डिजिटली उसको लॉन्च किया है जी। वो 2 लाख रुपए से लेके अब कर रहे हो 10 लाख रुपए तक का जो है आप ऑनलाइन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं इस फैसिलिटी से। तो ओवरऑल बैंक जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि हम लोग कैसे जो है सबसे छोटे बड़े कस्टमर तो है ही, छोटे कस्टमर तक, रिटेल कस्टमर तक भी, 2 लाख से 10 लाख तक के लोगों को भी सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उससे छोटे छोटे भी है, जैसे मान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट वगैरह जो सैलरीड है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे वो 25,000 से भी स्टार्ट है कि कैसे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके अकाउंट्स में दिए जा रहे हैं, तो लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड किया, चूंकि जैसे ही ग्रोथ की बात आएगी तो लिक्विडिटी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, तो वो बैंकिंग के सेक्टर जो है दे रहे। और दूसरी चीज आपने कहा कि छोटे लोन्स में तो आजकल क्या है कि जो क्रेडिट वगैरह जो है, जो सिविल स्कोरिंग वगैरह जिसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, वो बहुत रोबस्ट हो गई है जी, तो उसके वजह से भी क्या है कि लोगों में एक जागरूकता भी आई है विगत 4-5 सालों में, लोन को टाइमली रिपे करने। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट स्कोरिंग पे वो लोग ध्यान देने लगे हैं, छोटे छोटे बोरोवर्स भी देख रहे हैं कि ये जागरूकता आई है जी। जी धन्यवाद राजेश जी। इस बजट में जो है वो श्री अन्न, जिसमें कि उन्होंने मिलेट्स को लेके काफ़ी वित्त मंत्री जी ने एक चर्चा रखी, और प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम लोग जो है इसमें कुछ विकास करें, और इसी विकास की दिशा में हैदराबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, तो आपको श्री अन्न जिसमें कि हम लोग मिलेट्स की बात करें, मोटे अनाज की बात करें, ज्वार, रागी, बाजरा, इसकी बात करें, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री के लीडर हैं, पाइनियर हैं, और आटा आपका जो है वो आगरा में काफ़ी मशहूर है, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या रसोई रतन में आगे आने वाले समय में ये समझें कि आपका कुछ डाइवर्सिफिकेशन इस फील्ड में होगा, क्योंकि सरकार की एक पॉजिटिव इंटेंट है इस फील्ड में। और दूसरी चीज़ मैं इसमें जो जोड़ना चाहूँगा वो कुछ इस तरीके की चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या संभव हैं, क्योंकि आटा जो है उसकी आदत हम लोगों को इतनी लगी है कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें क्या फूड हो सकता है, बाजरा, ज्वार, रागी। तो मेरे 2 प्रश्न हैं आपके साथ में, इन दोनों का आप एक एक करके जवाब दें हमारे दर्शकों के लिए। कुल आपने कहा कि मोटे अनाजों का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, तो अभी हम देख रहे हैं कुछ ही दिनों में हमारे घर पे भी जैसे बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी तरह से बनाई गई, उसमें मीठा वगैरह डाल के, तो एक अलग ही टेस्ट था, और कुछ बच्चों ने बाजरे का जूस बनाया, तो उसकी रेसिपी आप जरूर शेयर करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल मैं करूँगा। और जैसे अब हम लोग मल्टीग्रेन आटा देते ही हैं अपना, तो उसमें गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का रहता है, इसके अलावा केवल चने का आटा भी आता है, जैसे घर में लोग चाहें तो चने के आटे के साथ कॉम्बिनेशन बना के कर लें, और अब ये आ रहा है रागी, रागी लोगों बहुत कम लोग समझते हैं, वो सरसों से छोटा दाना होता है, और पहले अनाज में काफ़ी खाया जाता था, हमारी यूपी में नहीं होता है और आसपास के कई ज़िलों में होता है, तो वहाँ से उनको मंगाने का हमारा है प्लानिंग में। और एक ज्वार का आटा, ज्वार का आटा भी बहुत हेल्दी आटा है, और पहले गाँव में ज्वार की रोटी लोग खाते थे, चने की रोटी खाते थे, उससे हेल्दी रहते थे, अभी हमारे यहाँ जो फास्ट फूड का चलन आ गया है, तो गेहूं का भी विकृत रूप जो मैदा करके बनाते हैं आजकल, नूडल्स वगैरह ये सब चीज़ें चलती हैं जी, तो ये सब बातें आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा रहा वोकल फॉर लोकल, तो अपना भी ये रहा है कि ब्रांड शहर में एक ऐसा रहना चाहिए जिसको लोग विश्वास से खरीद सके। जब हमने इस ब्रांड की शुरुआत की तो आगरे का जैसे बेसन की बात कर लें तो शक्ति वो राजधानी का बेसन दिखता था, लोकल के ब्रांड को कोई किसी भाव लेना पसंद नहीं करता था जी, तो मन में बड़ी वेदना थी कि लोकल का ब्रांड क्यों नहीं चलता है। तो हमारे जब से ही, जब हमने 20 साल पहले रसोई रतन को स्टार्ट किया, तो मन में भावना थी कि एक ऐसा ब्रांड शहर में स्थापित करना है जिससे लोग विश्वास के साथ ले सकें और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बेसन है, आटा है, दलिया है, इसमें रसोई रतन को ग्राहक पहले प्रायोरिटी देता है, अगर किसी कारण से कोई दुकानदार के पास नहीं है उसके बाद वो दूसरा ब्रांड लेना पसंद करता है।
जी जी, आपको एक्सपोर्ट में भी संभावना दिखती है इसमें कि अगर मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट्स तैयार हों तो क्या इसमें एक्सपोर्ट्स में भी संभावना दिखती है? बहुत संभावनाएं। देखिए, हिंदुस्तान हमारा ऐसा है कि अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था उसमें 16 ऋतुएं होती हैं जी, जो जनरल ऋतु को जानते हैं, पर जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी है हमारे यहाँ हिमालय में, देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है, जैसलमेर वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। 16 ऋतुएं होती हैं, तो जितनी जड़ी बूटियाँ जितने अनाज हमारे यहाँ होते हैं विदेशों में कहीं नहीं होते, तो कहीं मक्का हो रही है, पूरी मक्का ही हो रही है, कहीं गेहूँ हो रहा है, हमारे यहाँ आपको हर तरीके के अनाज हर तरीके की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि देखिए, हेल्दी फूड पूरी दुनिया खाना चाहती है जी, तो हेल्दी फूड की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप केवल ज्वार का आटा दे सकते हैं, रागी का आटा दे सकते हैं, मक्का का आटा दे सकते हैं, वो भी है, लोग उसको फिर यूज़ करें, अलग अलग पकवान तरह से अलग अलग व्यंजन बनाए उसके यूज़ करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सेहत के लिए रहता है जी। बहुत अच्छा। श्याम जी, आपसे मेरा सवाल है, आप जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग में हैं, आप NBFC रन करते हैं, तो जो आपके जो कस्टमर्स हैं वो छोटे तबके से आते हैं जिनको कि आप हेल्प करते हैं, तो ऐसे में आपने पिछले कुछ सालों में अपनी इंडस्ट्री में किस तरीके की ग्रोथ देखी है और आपको इस इंडस्ट्री का स्कोप कैसा लगता है? देखिए, थैंक यू नितेश जी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मून TV की टीम को और आपको जो आपने ये मंच दिया मुझे अपनी बात कहने का। देखिए, हम RBA ग्रुप और मैं लघु उद्योग भारती का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ आगरा, तो जैसे NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और हम लोग अभी 7 states में 35 ब्रांचेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो जैसे 3-wheeler है। अब 3-wheeler में आप देखते हैं CNG ड्रिवन है और ई बैटरी रिक्शा भी आया हुआ है, और ये किसी भी शहर की रीढ़ है आज की डेट में, जिस तरीके का जो हमारा पुराने शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप थ्री व्हीलर उसमें से एलिमिनेट कर दें तो मुझे लग रहा है बड़ा क्योस सा हो जाएगा सिटी में, किस तरीके से काम होगा जी। तो ये वो सेक्टर है जिस पे इस बार गवर्नमेंट की निगाह भी गई है, और एक कोल लैंडिंग का एक मॉडल बनाया है बैंकर्स के साथ, कि ये हमारी बहुत बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि भाई NBFC जो है आपने बनाई NBFC, पर आज बैंक और NBFC आपस में कंपटीशन क्यों कर रहे हैं जी? देखिए, एक जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो होलसेलर और रिटेलर का होना चाहिए जी। बैंक के पास ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, NBFC जहाँ आप देखिए आज आप अगर टैक्स पेयर की भी बात करें तो कुल 1,40,00,000 टैक्स पेयर हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 1,35,00,000 की लगभग पॉपुलेशन है, तो क्या कंट्रीब्यूशन है एज ए इंडिविजुअल। तो मुझे लगता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इतना ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि एक आदमी MBA बच्चा, मुझे कहने में संकोच नहीं है, उससे ज़्यादा एक 3-wheeler व्हीकल कमा सकता है आज की डेट में। तो ये इस बार का बजट बड़ा उत्साहवर्धक रहा है, और गवर्नमेंट का बहुत ही ध्यान इस तरफ गया है, बड़ा मोरल बूस्टिंग है, और NBFC हम लोग जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो अभी तक जो सीन था, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे जी। और लघु उद्योग भारती के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी दिए जी, और हमारा ये कहना था भाई ये कमेटी इस चीज़ के लिए भी बैठे कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाइंसेज ऑब्सोलीट हो गए हैं जी, जिनकी सिस्टम में आज कोई ज़रूरत नहीं है जी, चाहे वो यू नो GST को लेकर के हों, चाहे बिजनेस की तमाम सारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हैं, इनकम टैक्स के हैं, TDS के हैं, तो इस बार गवर्नमेंट का फोकस रहा उस तरफ, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि लगभग 3,000 कंप्लाइंस प्रोविजन गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करे, खत्म किए हैं। तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी हमारी, और इसे लगता है कि हमें बहुत फायदा होगा काम करने में, और व्यापारी अपने काम पर फोकस कर पाएगा। इसी तरीके से कई सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज भी किया गया है exactly. तो जिससे कि मतलब एक व्यापारी में जो है वो एक पॉजिटिविटी रहे कि ऐसा नहीं है कि उसका डर का माहौल है। बिल्कुल, क्योंकि अभी विजय जी, अभी श्याम जी ने जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक शब्द उठाया, तो मेरा सवाल आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ही है कि क्योंकि सरकार का काफ़ी फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की बात है, तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में, हमारे शहर के परिप्रेक्ष्य में इस पर आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से सुगमता बढ़ी है वास्तव में बिजनेस के लिए, या आपका कोई और व्यू है इसमें? देखिए नितेश जी, पिछले विगत 8 से 10 वर्षों के अंदर जब से परिवर्तन
आया है जी। अब आज जैसे हम आज महसूस कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी उद्योगों को आमंत्रित किया जा रहा है जी। वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसमें हमारे कंट्री की रेटिंग काफी बड़ी है जी। आज सरकार या शासन खुद चाहता है कि उद्यमी विकास हो। ठीक है, किसी भी देश की तरक्की के लिए दो मूलभूत रिक्वायरमेंट रहती है, हर पेट को अन्न मिलना चाहिए और हर आपको काम मिलना चाहिए जी। अन्न देने का कार्य तो हमारे अन्नदाता करते ही हैं और इतना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा हुआ है और हो भी रहा है, तो अन्न की तो ऐसी आज हम स्कैर्सिटी में आ गए हैं। अब हर हाथ को काम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो एक बात है वो सिर्फ उद्यम के द्वारा ही मिल सकती है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट द्वारा जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट हो जी। अब सरकार सबको कार्य तो दे नहीं सकती, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है सिर्फ उद्यम के बाद जी। और विगत वर्षों में हमने ये महसूस किया है कि उद्यम को लगाना काफी सरल हुआ है। सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया जी। सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस तो काफी वर्षों पहले किए गए जी, लेकिन उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जो कि अब किया जा रहा है। इन्वेस्टर सबमिट किए जा रहे हैं, उद्यमियों को हाथों को हाथ दिए आमंत्रित किया जा रहा है, उनको जो भी असिस्टेंस सरकार देना चाहती जो चाहते हैं वो दिया जा रहा है जी। बहुत अच्छा। मेरा राजेश जी, आप क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी पिछले अगर हम मात्र एक पखवाड़े पहले तक देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में बिल्कुल एक सेंटीमेंट पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा था और एकदम से हिडनबर्ग एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं और उसकी वजह से बैंक्स में भी कुछ कहीं ना कहीं क्योंकि बैंक्स ने लैंडिंग कर रखी है, इसकी तरफ से कुछ वित्त मंत्री जी के कुछ बैंकर्स के स्टेटमेंट्स भी आए, तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और आपके साथ में मतलब अगर एक बैंकिंग का भी एक आइडिया मिले कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है और हम लोग इसको किस तरीके से जो अभी एक झंझवात है हमारी नाव जो है थोड़ी सी अगर हिचकोले ले रही है तो किस तरीके से हम इस बाधा को पार कर जाएंगे। देखिए नितेश जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट जो हमारा है वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी है जी सेबी है, काफ़ी पैनी नज़र रखती है जो भी हमारे मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है या और भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो ये तो अब क्लियर है कि सेबी काफ़ी दिनों से जब पुराने जब हुए थे 1992 वगैरह में जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद से सेबी का रोल काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी समय से हमारा जो शेयर मार्केट है ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहा है जी। और वहाँ पे भी क्या है कि बाहर के भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा। हाँ, कभी कभी कुछ इस तरह के न्यूज आते हैं और ये पूरी सेंटीमेंट्स पे काम करती है, लेकिन मेरा ये मानना है जो बैंकर मानना ये है कि सेबी अपना काम कर रही है, प्लस आरबीआई भी जो है अभी जो बैंकर्स के हुए थे कि बैंकिंग में, तो उन्होंने भी इसमें कोई इस तरह की इरेगुलरिटीज अभी तक नहीं बताई और उन्होंने अपना इसमें कमेंट्स भी जो दिया है कि एवरीथिंग इज कोई बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक और एक्सपोजर भी जो बैंकर का है वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो है एक्सपोजर इसमें स्टेट बैंक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट स्टेट बैंक ने तो मात्र 0.88% एक्सपोजर बचाया, इसलिए एलआईसी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल सेफ बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो 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 हमारा जो पोर्टफोलियो आप कहिए वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर किसी भी एक पर्टिकुलर इस कंपनी की बात अपना करें, किसी और भी में जो है वो तो एक असेसमेंट करने के बाद ही दिया जाता है, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं कि जिससे जो पैनिक क्रिएट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। मेरा एक सवाल आपसे है और ये सवाल मोदी जी से काफी लेट इसलिए करता हूँ मैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा हुआ है कि आप कहीं पर भी घूमने जाए तो अपने टोटल बजट का 5% वहाँ की लोकल इंडस्ट्री पर खर्च करें जिससे कि उस लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, तो अपने आप में एक अच्छी पहल है। इसी पहल की दिशा में मैं आपके साथ में ये समझना चाहता हूँ कि अभी देखो देश एक नई पहल शुरू करने की बात रखी गई, देश देखो, और उसमें ये वाली बात है कि यूनिटी मॉल वगैरह ये सब चीज़ें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कहा है उसमें, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोदी जी भारत में ही नहीं विश्व में बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं जी, और अगर भारत का नाम विश्व गुरु के रास्ते पर चल पड़ा है तो मैं समझता हूँ ये मोदी जी की देन है। और ये जो उन्होंने बात की है देखिए इसका बड़ा व्यापक असर होगा जी, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी, पहले टेनोवर में ही कर दी थी, जिस तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया उन्होंने जी, और जिस तरीके से आज हमारे चारों धाम जी, मुझे क्या हम सब लोगों को याद होगा कि जब हमारे बुजुर्ग जाते थे इन
धामों की यात्रा करने जी। तो एक तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाती थी कि ये लौट के आएंगे भी के नहीं आएंगे। और वो आप ही देखिए आज वो फोर लेन हाईवे से जोड़ी जा रही है इन सब चीजों को। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहूंगा कि जैसे अभी थोड़ा सा चैलेंज आया पर वो चांस की बात है, जम्मू में भी आया हुआ है, कश्मीर में भी आया हुआ है कि पहाड़ पहाड़, और ये नेचुरल यू नो प्रकृति का नियम है, कहीं कुछ जिस तरीके की दरारें आई हैं वो सब आए। पर इससे मैं जरूर कहना चाहूंगा विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए जी। ये वो चीजें हैं, गवर्नमेंट ने कोई भी काम कराया पूरी प्रॉपर स्टडी के साथ करा, पर मैं कम टू योर पॉइंट कि जिस तरीके से लोकल टूरिज्म की बात है, आप देखिए ये वो चीज है कि मतलब हम लोग जैसे हम लोग बड़े हुए तो शुरुआत यूरोप के टूर से होती थी जी, जी। मुझे लगता है थोड़ा सा अब ऐसा लगता है कि अपने देश में इतनी सारी चीजें हैं, इतने शहर हैं, इतने मंदिर हैं, और इवन जैसे वाराणसी में काम किया है और शुरुआत राम जन्मभूमि की वृंदावन के एरिया में हो गई, इवन वृंदावन के जो सारे तालाब है राधा कुंभ और ये सब अगर आप देखोगे तो लोगों में भी इतनी जागृति आई है और हमारे एरिया सब ऐसे बन गए हैं बिल्कुल स्वच्छ। और मुझे लगता है ये देश की इकोनॉमी में एकदम एकदम मोराल बूस्टिंग होगा, अभी देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बहुत अच्छा। मेरा सवाल विजय जी आपसे है, इस बजट में मतलब मैंने इतने सारे बजट्स पढ़े हैं, इतनी बजट स्पीचेस सुनी हैं, मैंने पहली बार एक इतना रोचक तथ्य इस बजट में सुना, और वो तथ्य कुछ ये था कि जो हमारे जेल में कैदी बंद हैं और जिनके पास में अपनी जमानत कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इस बार बजट में सरकार ने उनके लिए चिंता करी, और मैं आपकी जानकारी में दूं ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए ठीक है किसी ने कोई गलत कार्य किया होगा जिसकी उसे सजा मिली, लेकिन किसी छोटे से पैसे की अभाव में या व्यवस्था में वो व्यक्ति अपनी जमानत नहीं करा पा रहा। मैं अभी हाल के दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऐसी की संख्या, ये तो खैर मैं मानता हूँ कि ये हमें हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा सेंसिटिव लीडर मिला है जो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रख लेता है, जबकि ये समस्याएं तो बहुत सालों से चल रही हैं। लोगों की सजाएं पूरी हो गई हैं, सिर्फ जुर्माना न भरने के कारण ही वो दंडित हुए जा रहे हैं और सालों साल जेल में रह रहे हैं, जबकि सबको इस पर समस्या पता है लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ कार्य नहीं किया। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, ये कार्य को बहुत पहले हो जाना चाहिए लेकिन आज हुआ। इससे दोनों तरीके से राहत मिलेगी, एक तो हमारी जेलों का ओवरबर्डन कम होगा, जो सजा याफ्ता लोग हैं जिनकी सजा खत्म हो चुकी है उनको और एक्सेस सजा ना मिले भाई। हर हमारे देश में हर जुर्म की सजा निर्धारित है लेकिन वो जुर्म की सजा भी खत्म होने के बाद भी वो मल्टीप्लाई होती जा रही है सिर्फ इस अभाव में कि उनके पास जमानत के पैसे नहीं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये कार्यक्रम सामाजिक स्तर पर हरि सत्संग समिति के माध्यम से भी हुआ था और ऐसे कई कैदियों को रिहा कराया गया जो पैसे के अभाव में और जिनकी सजाएं भी पूरी हो गई थी, पर कुछ कार्यप्रणाली ऐसी है भी जिसमें पैसे लगते हैं और छोटे छोटे दंड थे, तो वो पर इसका जो सरकारीकरण किया है ये वाकई में बड़ा कमेंडेबल है और बड़ा ही स्वागत योग्य है। सरकार को ऐसा भी विचार दिया, ऐसा भी देखिए, ये तो मेरी सोच से भी परे था कि सरकार के पास इतने भारी भरकम काम है और वो इतने छोटे से काम के लिए भी सरकार काम कर ले, ये बहुत बड़ी बात। मैं इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि मैं एक चिट्ठी लिखूंगी। नहीं, बिल्कुल सामाजिक सरोकार पे पूरा ध्यान रखता हूं। राजेश जी, आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस बजट के जो इनिशियल रिमार्क्स थे उसमें वित्त मंत्री जी ने जो बात कही वो मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग जो है एक साल के लिए भोजन की व्यवस्था, जो हमारे मार्जिनल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए एक साल की व्यवस्था और कर रहे हैं, और बजट में इसके लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोगों को जिनको रोजगार नहीं है या उनको खाने का मिला है, खाना सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो आपने बात रखी है कि जब हम देख रहे हैं कि आटा दलिया बेसन सूजी मैदा पे सब पे 5% GST है, एक तरफ लोग 80% लोगों को या 80 लाख लोगों को फ्री में दे रही है, 80 करोड़ जब फ्री में भोजन दे रही है, तो जो बाकी लोग भी बचते हैं वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनसे टैक्स लेना थोड़ा सा वो लगता है। जो हायर है वो तो अपने रेस्टोरेंट पर भी जा रहा है, होटल में भी जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास जो स्वाभिमानी आदमी है वो फ्री में नहीं लेना चाहती है, तो उनको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा ना देना पड़े, जो मार्केट है उससे मिले। तो मेरी ये निवेदन है आपके थ्रू और सरकार से भी है कि ये जो नेसेसरी आइटम है, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, इसको रोटी खानी है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए।
राजेश जी एक प्रश्न उठता है कि ओवरऑल बजट में आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा सरकार ने कि ये काम बहुत बढ़िया किया? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सबसे बड़ा एक इशू है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सदैव से क्वेश्चन रहा है और कोई भी सरकार हो ये इस चीज़ पे ध्यान देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि भारत की आबादी जो है यंग की आबादी ज़्यादा है तो काम तो सबको चाहिए, जैसा कि हमारे और पैनलिस्ट ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है। तो सरकार जैसे हमने शुरू में ही कहा कि 10 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है उससे सारी गतिविधियाँ यहाँ स्टार्ट होंगी और एमएसएमई पे तो जोर है ही है, इंडस्ट्रीज पे तो सरकार का जोर है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे शहर में जैसे राज्य में इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी बात ये है कि ये दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है तो माइग्रेशन यहाँ से ना हो, बहुत ज़्यादा लोग बाहर ना जाएं, जैसे हमारा इधर का क्षेत्र है अपना झांसी वगैरह का क्षेत्र है जहाँ से कभी उतरते होते थे, और जैसे अभी डिफेंस कॉरिडोर वगैरह का जो काम अभी इधर हो रहा है इसमें और गति आएगी और एम्प्लॉयमेंट लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आएगी इससे बहुत ज़्यादा फायदा राज्य को भी होगा देश को भी होगा। श्याम जी कोई ऐसा विषय आपको लगता है जो इस बजट से छूट गया हो और आम आदमी की अपेक्षा रही हो कि अगर ऐसा हो जाता तो और बहुत अच्छा होता? देखिए बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने और मैं मून टीवी को इसलिए और पसंद करता हूँ, बड़ा निर्भीक चैनल है और आप उसके प्रणेता रहे हैं शुरू से। मैं अभी जो बात हो रही थी 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन, मुझे लग रहा है ये वो ये वो अरेंजमेंट है, ये वो व्यवस्था है वो देश के लिए बड़ी चिंताजनक है, वो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी थ्रेट होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोविंशियल पार्टीज़ हैं या छोटे ग्रुप हैं या जो पारिवारिक ड्रिवन पार्टियाँ हैं वो इस तरीके के आडंबर और इस तरीके की योजना लाते हैं जिससे देश का भला नहीं हो रहा और उससे इस तरीके के फ्री की जिस तरीके की ये चीज़ें हम बांट रहे हैं और फिर बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और भी दूसरे भत्ते हम देंगे, तो मुझे लगता है आज शहर में लेबर की क्राइसिस का बहुत बड़ा रीज़न ही यही है कि आज शहर में लेबर आपके नहीं आ रही है, क्योंकि जब घर बैठे उसको चीज़ें मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सरकारों से ज़्यादा ये जनमानस का काम है। क्या हमें फ्री का चाहिए, क्या हमें बिगर काम करे चाहिए, उन माँ बापों को सोचना चाहिए कि बच्चे काम पे नहीं जा रहे हो, फ्री का राशन हम उठाए जा रहे हैं, उस फ्री के राशन को भी आप देखो वही बाजारों में बिकता है, उससे भी लोग कमा रहे हैं और उसके बाद भी टीवी चैनलों पे आके कहते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो मेरा ये है कि ये समय वो है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमें जागरूक बनना है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को स्टैटिस्टिक्स मिलती है सोशल मीडिया से, मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये कि हमें मालूम है कि आज हमें सेना की किस तरीके से ज़रूरत है, किस तरीके से हमारे को क्या हमारा बजट घाटा है, किस तरीके से हमें रकम चुकानी है, कितना हमारा 20% मैंने देखा है इंटरेस्ट में जाता है हमारा, अभी मैं देख रहा था उसको जी। तो अब ये सब चीज़ें कौन एड्रेस करेगा जी, सबने अपनी पार्टियां बना ली छोटी छोटी चीज़ें, अब ये देश की चिंता जिस तरीके से मोदी सरकार ने की है तो मुझे लगता है उसमें मोदी भी अकेले पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसमें जनमानस को साथ देना चाहिए और कम से कम फ्री की राजनीति करने वालों को भी एक सबक देना चाहिए और इस तरफ से बिल्कुल दूर रखना। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला। विजय जी आपसे जानना चाहेंगे और राजेश जी आप दोनों से ही जुड़ा हुआ विषय है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शुरुआत में कहा एग्री स्टार्टअप, कृषि क्षेत्र में जो वो नवाचार करने का प्रयास सरकार ने प्रोत्साहन दे रही है और उसके लिए काफी उन्होंने लोन और सब्सिडी के रखा है, तो उससे कितना लाभ मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमारे देश की हमारा देश क्योंकि अभी तक कृषि आधारित इकोनॉमी पर रहा है और हमारे देश की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर ही आधारित है जी। अब सभी लोग अगर अन्न उगाने का कार्य करेंगे तो उससे भी कार्य नहीं होगा जब तक कि हम फूड प्रोसेसिंग में ना जाएं, क्योंकि आने वाला समय प्रोसेस फूड का है। अब ज़्यादा अन्न उगा लिया उसकी स्टोरेज की भी समस्या है, जब तक अब वर्ल्ड में हम लोग प्रोसेस नहीं करके जाएंगे, वो फूड प्रोसेसिंग होगी कृषि आधारित होगी, आने वाली जनरेशन चूंकि कृषि नहीं उस तरीके से करना चाहती क्योंकि अब मशीनाइजेशन शुरू हो गया है, इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर में भी काफ़ी मशीनरी लग गई हैं तो उसमें लेबर इंटेंसिव काम भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं जिसकी वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए सभी को काम देने के लिए फूड प्रोसेसिंग और हमें उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। सरकार उसकी तरफ बहुत दिन से गंभीरता से सोच रही है, पिछले कुछ समय से हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का बहुत जोर है, इस फील्ड में बहुत स्कोप भी है और सरकार के नीतीश जी तो काफ़ी विस्तार से उसमें सहयोग करते रहते हैं उद्यमियों को,
कि फूड प्रोसेसिंग में सरकार की इतनी विस्तृत योजनाएं हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे आता है सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं, एक तो हमारे अन्न की वेस्टेज खत्म हो रही है, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी जा सकते हैं, और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तो दोनों समस्याओं को बैलेंस करने का काम ये हमारा जो एग्री स्टार्टअप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जी जी राजेश जी, ये क्योंकि अभी विजय जी ने जो है जिस बात को उठाया तो वो सरकार की पॉलिसीज, और तो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ कि 2 फरवरी को जो है हमारी उत्तर प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है उसको उन्होंने नोटिफाई कर दिया, और उसमें जो कुछ बिंदु जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें कैपिटल सब्सिडी की बात है, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी को लेके भी कुछ चर्चा है, और इसी तरीके से अगर आप जो अपना जगह वगैरह खरीदते हैं तो उसका स्टैंप वगैरह इस सब को लेके चर्चा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये इससे इस तरीके की जो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स लेती है, प्रोत्साहित करती है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि हाँ कुछ नए सेटअप्स जो है और आ सकते हैं, लोगों का रुझान बढ़ सकता है इस तरीके से? देखिए तेजी बताऊँ मैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आगरा पहले एक फूड इंडस्ट्री का हब था जी। आगरा में 200 दाल मिल थे, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती थी, यहाँ से पूरी रैक की रैक यहाँ से लोडिंग होती थी दालों की। यहाँ ऑयल मिल थे बड़े बड़े, 3-4-5 ऑयल मिल थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती थी। बड़े बड़े रोलर फ्लोर मिल थे, आगरा रोलर फ्लोर मिल है, गुलशन श्यामलाल है, CR ऑयल फ्लोर मिल है, इतने बड़े फ्लोर मिल थे कि मिलिट्री सप्लाई ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती थी। कुछ ऐसा रहा कि हमारा क्षेत्र कृषि में थोड़ा सा पिछड़ गया और यहाँ मेन क्रॉप आलू हो गया जी। तो आलू होने से थोड़ा सा ये सब चीज़ें दलहन है और तिलहन है, इसकी पैदावार कम हो गई, पर गवर्नमेंट की ये सब पॉलिसियाँ आ रही हैं। तो आप देखिए तिलहन का क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है, पहले सरसों हमारे यहाँ बहुत बीच में कम हो गई थी, अब बहुत हो गई। दालें भी बहुत होने लगी है, मूंग हमारे यहाँ बहुत होने लगी है, मूंग है, हरे हरे ऐसी दालें जो विलुप्त प्राय हो गई थी हमारे क्षेत्र से बराबर होने लगी है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी अभी जो सबमिट हो रही है उसमें भी फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत लोगों ने अपने प्रपोजल दिए हैं, और गवर्नमेंट का ये सब इनिशिएटिव मिलेगा तो निश्चित फूड इंडस्ट्री जो पुराना आगरे का बहवा था जरूर लौटेगा। जी 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 जी। तो मित्रों यहाँ बजट से उपजी आशाओं और आम आदमी में रहेगी कसक का विश्लेषण करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे अपने कार्यक्रम CA नितेश गुप्ता के साथ अर्थचक्र सुनो सरकार के द्वारा। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी विषय पर नए पैनल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार, और आप लोग हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद।